हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। क्लास सेवेंथ में चैप्टर नंबर 17 यानी फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन ये शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके स्कूल्स खुल ही चुके हैं, राइट? लेकिन फिर भी अपना रिवीजन भी इस तरह से हो जाएगा और अपनी पढ़ाई भी चलती रहेगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू कर रही है। तो इसलिए हर रोजाना सुबह 7 बजे आप लोग रेडी रहेंगे, और दो दो दिन अलग अलग क्लासेस के लिए हमने निकाले हैं, तो इस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। पर वीक आपको 2 डेज यूट्यूब पर लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है? और जल्दी ही और भी चीज़ें आप लोगों को यूज़फुल देखने को मिलेंगी जो आपकी एजुकेशन के लिए बेनिफिशियल होंगी, राइट? तो जल्दी से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी बच्चे जुड़ जाएं। ये चैप्टर है आपका 17, इससे पहले हमने 18 चैप्टर पढ़ा दिया है, और जल्दी ही मैं उन सारे जो लास्ट वीडियोस होंगी जितनी भी, उन सबके भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक है? और सेशन एंडिंग एग्जाम आप लोगों के जल्दी ही हैं, ये 1 मार्च से हो जाएंगे। सिलेबस आप लोगों को पता ही है, पैटर्न आप लोगों को पता ही है, ठीक है? तो उसी के हिसाब से हम लोग अपनी पढ़ाई को, अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक? इसमें कहीं किसी को कोई समस्या हो तो यू कैन आस्क एट एनी टाइम। जल्दी से शेयर कर दीजिए, अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं हमें। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, पर्सनली मैसेज कर दीजिए, और आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि 7 बजे शुरू कर दिया हमने, इसलिए आप लोग रेडी नहीं है। आगे से आप लोग सुबह 7 बजे हर हाल में रेडी रहेंगे, ठीक है? सुबह 7 से 8 आप लोगों को डेली एक क्लास मिलेगी लाइव। आई एम रेडी सुयश मिश्रा, वेरी गुड। कुछ अच्छे बच्चे हमेशा रेडी रहते हैं, वेल डन। तो यही है, 2 पंक्तियों से हम आपकी शुरुआत कर सकते हैं क्लास की, कि जीतने वाले जो हैं वो कुछ नया काम नहीं करते हैं, वो हर काम को नए ढंग से करते हैं, और जहाँ भी उन्हें अपनी ज़रूरत होती है वो बिल्कुल डट के और सामने बैठे होते हैं, ठीक है ना? वो उसमें कोई भी चेंजिंग इस तरह की नहीं लेके आते हैं कि अब नहीं हो रहा, कल करेंगे ये सब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर है 17, फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन, और इससे पहले चैप्टर नंबर 18 को हम कवर करा चुके हैं, और इसी तरीके से आपको वीकली 2 क्लासेस एट 7 AM डेली मिलेंगी, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं, आप अपनी पिछली क्लासेस या नेक्स्ट क्लासेस की भी वीडियोस को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? वो कहीं ना कहीं आपको नॉलेजेबल ही होंगी, आपका ज्ञान ही बढ़ाएंगी। तो लेट स्टार्ट टुडेज वीडियोस। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को।
दिख रहा है भाई सभी को ऑडियो वीडियो? ओके, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, जिससे सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। चैप्टर है आपका 17, फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल। ठीक है, जंगल जो है वो हमारी लाइफ लाइन भी है। ये इस चैप्टर के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये चीजें जो नेचुरली हैं ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इनकी एब्सेंस में हम लोग काफी हद तक परेशान भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑन इवनिंग बुजो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। अपने किसी एक एल्डर पर्सन के साथ कहाँ गया? पार्क में। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड प्रोफेसर अहमद, वाज ए साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग व्हाइल प्रोफेसर अहमद सेट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर। ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। आफ्टर ए वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। कुछ समय बाद में बच्चे भी उनके पास आकर के इस तरह से बैठ गए। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। वो जानना चाहते थे सेलिब्रेशन के बारे में। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस्ड द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। आफ्टर किसके प्रोग्राम के? कल्चरल प्रोग्राम के बाद में जो सीनियर लोग थे वो किस पर डिस्कस कर रहे थे? अपने टाउन की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या पर, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा एक वर्ड है, बेरोजगारी। अ प्लान वाज प्रपोज टू पुट अप अ फैक्ट्री बाई क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। और क्या प्लान किया गया कि एक फैक्ट्री लगाई जाए कहाँ? टाउन के आउटसाइड में, टाउन के बाहर की तरफ, और फॉरेस्ट को थोड़ा सा एरिया साफ करके, क्लीन करके। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स। तो ये आइडिया जो है क्या देगा, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी उसको जॉब चाहिए, तो एक चांस देगा जॉब लेने के लिए। ठीक है, द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मेनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। उनको बड़ा जो है अजीब लगा बच्चों को, कि उन्होंने जो है ऑब्जेक्ट किया यानी अपोज किया, विरोध किया बहुत सारे लोगों ने इसका, कि जंगलों को काट करके उस पर अगर फैक्ट्री आप बनाएंगे तो ये हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, फिर क्या करा उन्होंने? दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरिफाइंग सिस्टम इन नेचर। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन। द चिल्ड्रन वर कंफ्यूज्ड। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने कभी भी जंगल को नहीं देखा है। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। बच्चे जो है क्या ज्यादा जानना चाहते थे फॉरेस्ट के बारे में। आप लोग भी फॉरेस्ट को अच्छे से अभी तक नहीं देखे होंगे, तो आप लोगों की भी एक उत्सुकता रहती होगी फॉरेस्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रोफेसर अहमद के साथ विजिट करेंगे। विजिट टू ए फॉरेस्ट। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग लाइक ए नाइफ, ए हैंड लेंस, अ स्टिक, अ नोटबुक एंड वर्क टुगेदर थ्रू ए फॉरेस्ट ट्रायल नियर ए विलेज। अब देखो यही अंतर है, हम लोग विजिट करना चाहेंगे कहीं पर, घूमने की बात जैसे ही करेंगे बच्चों से, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि बस अपना एक टिफिन बॉक्स होगा और बस चल दो घूमने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि घूमना भी हमको किस तरह से चाहिए, एजुकेशन पर्पज से चाहिए। क्या क्या लेके गए हैं वो साथ में? नाइफ है, हैंड लेंस है, स्टिक है, नोटबुक है एंड वो, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से जो चीजें हैं ये हमें अंतर करना सिखाती हैं कि हम नॉलेज के लिए आगे बढ़ रहे हैं या केवल अपने मजे करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम जब भी कोई विजिट करें तो वो भी हमारे लिए क्या होनी चाहिए? नॉलेजेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग है भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। आगे से ध्यान रखिए, सब लोग बिल्कुल 7 बजे रेडी रहा करिए, सुबह 7 बजे अब डेली आप लोगों को क्लासेस मिला करेगी। ओके, ऑन देयर वे दे मीट टिबू, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप ऑफ नियर बाई विलेज।
और वे वहां नियर बाय विलेज से किससे मिले, टिबू से मिले। ठीक है, वो क्या था, उन्हीं की एज का लड़का था, पड़ोस के गांव का। वो वास टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलोंग विद हिज आंट। वो अपनी चाची जी के साथ क्या कर रहा था, कैटल यानी कि पशुओं को फॉर ग्रेजिंग, चराने के लिए लेके आया हुआ था। ही वॉज वेरी एगाइल रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टूगेदर, और उनको एक जगह रखने के लिए वो बार बार इधर से उधर भाग रहा था। वेन ही सॉ द चिल्ड्रन टिबू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग विद देम, और वो उनके साथ चलने लग गया जब उन्होंने बच्चों को देखा उसने। वाइल हिज आंट वेंट ऑन ए डिफरेंट पाथ, और उसकी चाची दूसरे रास्ते पर चल दी। एज सून एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट टिबू रेज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल देम टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। टिबू ने तुरंत क्या किया, उन लोगों को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि आपकी आवाज जो है, इतने बच्चों की आवाज शोरगुल जो है, वो जंगल में रहने वाले बर्ड्स को या एनिमल्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। टिबू देन टुक देम टू ए प्लेस एट ए हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट, और वो कहाँ ले गया, एक ऊंचाई पर ले गया जहां से फॉरेस्ट का एक ब्रॉड व्यू लिया जा सके, एक बहुत बड़े भाग को हम देख सके। चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड, द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड, हाउएवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। है ना, उन्होंने क्या देखा कि लैंड तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है, और वो भी यूनिफॉर्मली नहीं है, कहीं पर कैसा है कहीं पर कैसा है, ऊंचा नीचा है। ठीक है, ये चित्र में आप लोगों को दिखाया भी गया है। ओके, एनवायरमेंट वॉज पीसफुल एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। है ना, एक बहुत ठंडी ठंडी हवा जो है बह रही थी, और एनवायरमेंट कैसा था, एकदम शांतिपूर्ण था। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, और इसने क्या कर दिया, बच्चों को फ्रेश कर दिया, एकदम ताजा कर दिया और खुश कर दिया। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई कनक, लेट हो गए हैं, अगली बार से सुबह 7 बजे सब लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, डेली आपको सुबह 7 बजे क्लास मिलेगी। दूसरी भी क्लासेस की वीडियो अगर होंगी तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी नॉलेजेबल ही होंगी आपके लिए। ठीक है, While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the tree. वो एक साथ क्या हो गए, excited हो गए सुनने के लिए, sudden sound of birds and some noise. ठीक है, टिब्बू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज ए नॉर्मल फिनोमेना। उन लड़के ने, टिब्बू ने क्या बताया कि अभी आप ज्यादा परेशान ना हो, ये एक नॉर्मल फिनोमेना, एक सरल घटना है, यहाँ जो होती ही रहती है। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ड हायर अप ऑन द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अदर एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, वार्निंग कर रहे हैं उनको कि भाई यहाँ कुछ लोग हमारे घरों में आ गए हैं जंगल में, आप सब लोग सावधान हो जाइए। ठीक है, बंदर ऊंची ऊंची डालों पर जाकर के देख रहे हैं कौन कौन आ गया भाई हमारे घर में। टिब्बू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बाइसन, जैकाल्स, है ना, पोर्कुपाइन, एलिफेंट लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। ये सब कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के डीपर एरिया में रहते हैं जहाँ घना जंगल होता है। प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इन टू द फॉरेस्ट, और प्रोफेसर अहमद ने उनसे कहा कि आपको डीप फॉरेस्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वहां जाने में सावधानी रखनी है। बूजो एंड पहेली रिमेम्बर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब वो यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है वो होम भी प्रोवाइड कराता है, किस किस को प्रोवाइड कराता है, प्लांट को और एनिमल को। ठीक है, तो देखिए ये एक पिक्चर में आपको दिखा दिया है, ये जंगली सुअर है, ठीक है ना, ये सीही है, ये जंगली भैंस है, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं। आप इसका भी एक प्रोजेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं, आप इंटरनेट से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और उनके नेम, ठीक है, और उनके
नेम की जो है फोटो या पिक्चर्स जो है कलरफुल निकाल करके और अपनी कॉपी पर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे जंगली जानवरों को देख करके पहचानना आ जाएगा, उनका नाम क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, उनके इंग्लिश नेम या मतलब कॉमन नेम और अपने भारत में उनको किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ज्यादा जानकारी आप रखना चाहें तो उनमें से कौन सी प्रजाति, कौन सी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हमारे भारत में भी मिलती है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ प्लांट की भी देखो फोटो दी है, ये आपका नीम का पेड़ होता है, ठीक है, ये आपका शीशम का पेड़ होता है, ये आपका सेमल का पेड़ होता है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए, ओके। तो आप लोग जब भी मौका मिले पिताजी माताजी के साथ जाने का या स्कूल में या उसके आसपास या अपने गांव जाने का, तब आप लोग अपनी इस कॉपी को साथ लेकर जाइए और उन पिक्चर्स से मैच करके देखिए और फिर पहचानिए रियल में कि रियल में भी कौन सा किसका पेड़ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये बंबू है ना यानी बांस जिससे बनते हैं, ये वो पेड़ है, ओके। तो इस तरीके के दिखते हैं उनकी पत्तियां, लीव्स कैसी होती हैं, उनके तने कैसे होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर बेसिकली कैसी होती है, तो इस तरीके से आप लोग इनको एग्जामिन कर सकते हैं, ये आपको बहुत नॉलेज गेन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक कॉपी में आप लोग जरूर ये काम करिएगा, कलरफुल पिक्चर्स निकालिए और फिर ये काम करिए, ठीक है। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज, कैसी थी लैंड, अनइवन थी, असमतल थी। तिब्बू हेल्प्ड देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सेमल, सीसम, नीम, पलास, ठीक है, फिगर भी दे रखा है, ठीक है, फिग अंजीर, खैर, आंवला, बंबू और कचनार, इतने सारे जो है प्लांट उसने बताए। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज और सेवरल अदर ट्रीज श्रब, हर्ब्स एंड ग्रासेस, उन्होंने बताया कि ये तीन तरीके के हो सकते हैं, श्रब, हर्ब एंड ग्रासेस। ग्रासेस में आ जाती हैं आपकी घास, ठीक है, हर्ब में आपकी आ जाती हैं जड़ी बूटियां, और श्रब में क्या आएंगी बताओ जरा फटाफट से, कौन बताएगा श्रब में कौन आएंगी बताइए जल्दी से। द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स, ठीक है, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स से ढके हुए थे ट्रीज भी, ठीक है, जिनको बेल वगैरह कह देते हैं आप, ठीक है। द सन वाज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ ट्रीज, सन जो है बड़ी मुश्किलों से दिख पा रहा था लीव्स ऑफ ट्रीज से, यानी कि पेड़ों की पत्तियों के थ्रू, मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, और यह क्या बना रहा था, डार्क रख रहा था कि हस किस में फॉरेस्ट, ठीक है, हर समय घना कोहरा रख दो। सुयश कह रहे हैं एग्जाम्पल मकक ब्रीड ऑफ मंकी कॉमनली फाउंड इन इंडिया, हाँ वेरी गुड। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब आप लोग एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें फॉरेस्ट से ही आपको चीजें मिलती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। श्रब माने रूट नहीं है, श्रब माने ट्री नहीं है, गलत आप लोग बता रहे हैं, श्रब माने क्या होगा ये मैंने पूछा है आपसे, ठीक है, श्रब माने होते हैं बेटा झाड़ियां, ठीक है, झाड़ी कहते हैं झाड़ी, ये कंटीली होती हैं, कांटेदार भी हो सकती हैं, ठीक है, और छोटी होती हैं हाइट में। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड, फ्यूल, वुड बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर। डू यू नो दैट गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो देखो कितनी सारी चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं, इवन मैं तो ये कहूंगा कि 50% ऑफ आवर डेली लाइफ वो सारी चीजें हम कहाँ से ले रहे हैं, फॉरेस्ट से ही जनरेट हो रही हैं, वो अलग बात है कि उसको थोड़ा सा रूप हम परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज, प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड, द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सेडलिंग। शीला जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि इतने सारे पेड़ पौधों को यहाँ कौन बोने आता होगा, तो उन्होंने बताया प्रोफेसर ने कि
ये जो फॉरेस्ट है वो अपने आप में काफी है, वो बहुत ज्यादा एनफ मात्रा में सीड्स जो है वो डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है, और फिर फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स कराता है उनको एक फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, और इसलिए वो सीड्स जो है जर्मिनेट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं। ये देखिए कितनी सारी चीजें हैं, जैसे हनी मिल गया हमको, सीलिंग वैक्स मिल गया, वुडन स्टेट्यू मिल गया है ना, और गम मिल गया, और तो ये इतनी सारी चीजें आप लोगों को कहाँ से मिल रही है, फॉरेस्ट के थ्रू ही मिल रही है। ये सारे प्रोडक्ट किसके हैं, फॉरेस्ट के हैं। एंड सैपलिंग्स सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री, ठीक है। ब्रांची पार्ट, जैसे ही कोई ये ट्री है, मान लीजिए इतना तो ये ट्री ही ट्री चल रहा है, अब यहां से उसमें से ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई, ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकलना शुरू हो गए, तो ये ब्रांचेस पार्ट उसका क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। क्राउन जैसे ताज रखा हो, ठीक है, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, क्राउन मतलब क्या होता है, सिर पर रखा हुआ ताज, तो ऐसे ही ये मान के चलते हैं कि ये ट्री और इसके सिर पर रखा हुआ ये क्राउन है इसका, ठीक है, तो ये पार्ट क्या कहलाता है, इसका क्राउन कहलाता है, ठीक। ये देखिए यहाँ ये क्राउन शेप है, ये क्राउन हो गया इस ट्री का, ये वाला क्राउन हो गया, ये वाला क्राउन हो गया, ये इसका क्राउन हो गया, है ना। तो देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्राउन आपको मिल गए, जैसे राजा महाराजाओं के अपने अपने क्राउन होते थे, ऐसे ही देखो इन सबके भी, पेड़ पौधे ट्रीज के भी अपने अपने क्राउन होते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, चलिए फिर, बहुत बेहतरीन चैप्टर बेटा, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक ए रूफ कवर ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड अ कैनोपी, और इस टाइप के जो प्लांट होते हैं जो ऐसा लगता है जैसे कि दूसरे भी प्लांट को ढके हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कैनोपी कहलाते हैं, ठीक है। विजिट अ फॉरेस्ट और ए पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज, लिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज द हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज, और आप ड्रॉ भी कर सकते हैं सम क्राउन ऑफ ट्रीज, ओके। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप एंड साइजेस, दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर्स इन द फॉरेस्ट, दीज आर नोन एज द अंडर स्टोरेज। गेंट एंड टॉल ट्री कंस्टिट्यूटेड द टॉप लेयर फॉलोड बाय द श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फॉर्मड द लोएस्ट लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से दो तीन लेयर बन जाती हैं, टॉप लेयर पर हो जाते हैं वो लोग जो टॉल ट्रीज हैं, फिर उसके बाद टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फॉर्म करते हैं एक लोएस्ट लेयर। वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, आस्क्ड बुजो, उसने पूछा कि क्या सारे जंगलों में इसी तरीके के मिलेंगे हमको। प्रोफेसर एमर सेड नो, ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन देयर आर वेरिएशन इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। उन्होंने बताया कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर देयर आर वेरिएशन, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ट्री और प्लांट आपको देखने को वहां मिल सकते हैं, ऑल्सो एनिमल्स भी डिफर हो सकते हैं, ठीक है। जंगल से जंगल में आप जाएंगे तो वहां के एनिमल भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कैनोपी, इस तरीके से छोटे छोटे पौधे हैं और उनको भी बड़े बड़े पौधों ने ढक रखा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका कैनोपी पार्ट कहलाएगा, ठीक है। एंड ये अंडर स्टोरी कहलाएगा जो उनके अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। ये एक लेयर अलग हो गई, ऊपर वाली लेयर अलग हो गई, इस तरीके से। तो कैनोपी एंड अंडर स्टोरी इन ए फॉरेस्ट, ये आपको दिखा दिया गया, ये जरूर आप लोग ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी, इसलिए इसको ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज, ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज, ठीक है। ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हेयर एंड देयर, है ना,
क्या कर रही हैं? वो उड़ रही हैं, हेयर एंड देयर। ऑन द फ्लावर्स ऑफ श्रब्स एंड हर्ब्स दे हैड ए क्लोज लुक एट द बसेस व्हाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोज हैड सीड्स एंड श्रब्स क्लिंगिंग टू देम। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही है? तितलियां उड़ रही हैं इधर से उधर श्रब्स और हर्ब्स के फ्लावर्स पर, ठीक है, व्हाइल डूइंग देयर हेयर एंड क्लोज हेड सीड्स एंड श्रब्स क्लाइंग टू देम। और उससे किससे? उनके हेयर से, उनके बालों से, उनके कपड़ों से क्या है, सीड्स जो है वो चिपक जा रहा है। दे केम अक्रॉस न्यूमेरस इंसेक्ट्स स्पाइडर्स स्क्वायरल्स आंट्स एंड वेरीज। बहुत सारे हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, स्क्वायरल हैं, स्पाइडर्स हैं, आंट हैं, ठीक है, वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग प्लांट लीव्स एंड डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, ठीक है, हम चला जाता है पेन। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएटर। ठीक है, द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर्ड एंड वाज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स फ्रूट सीड्स ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स और छोटी छोटी झाड़ियों से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? बेटा मेरी वॉइस मिल रही है आप लोगों को? सौमेंद्र प्रताप कह रहे हैं ओके सर, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिकेइंग मैटर वाज मोइस्ट एंड वार्म। क्या है वो? नमी युक्त है ना, और गर्म है। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर ए स्पॉन्गी कारपेट। और उन्होंने जब उस पर चलकर देखा तो किस तरह से लग रहा है? जैसे कि एक स्पॉन्गी कारपेट पर वो वॉक कर रहे हैं। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? क्या ये हमेशा गर्म रहता है? प्रोफेसर एमस सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस एक्टिविटी को करिए और तब इसका आपको आंसर मिलेगा। डिग ए स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, कवर देम विद सॉइल, ऐड सम वाटर, आफ्टर 3 डेज रिमूव द सॉइल अपर लेयर। डज द पिट फील वार्म इनसाइड? तो पहली आस्केट, देयर आर सो मेनी ट्रीज हेयर, ऑल्सो देयर आर मेनी फॉरेस्ट लाइक दिस, वॉट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री। अब देखो, उसने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन पूछा, यहाँ से इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आ गया इस विजिट में। उसने कहा कि जब बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, और तो वॉट डिफरेंस विल इट मेक, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम कुछ ट्रीज को कट भी कर दें एक फैक्ट्री के लिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद सेड यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स, यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट फॉर फूड। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाई अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाई इंसेक्ट्स विच इन टर्न इज टेकन बाई द फ्रॉग, और वो किसके द्वारा खा लिया जाता है? फ्रॉग के द्वारा। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाई स्नेक एंड स्नेक इज ऑल्सो कंज्यूम्ड बाई ईगल, है ना।
तो दिस इज सेट टू फॉर्म ए फूड चेन। ये क्या बनाता है? एक फूड चेन बनाता है। ग्रास, ग्रास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल। तो मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन्स। ठीक है, अगर हम एक भी फूड चेन को डिस्टर्ब करेंगे तो वो दूसरी चेन उससे इफेक्टेड हो जाएगी। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स। फॉरेस्ट का प्रत्येक पार्ट जो है वो किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंड है। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट, अगर हमने उसका एक भी कंपोनेंट रिमूव किया, से ट्रीज, मान लो ट्रीज को रिमूव किया, ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड, और दूसरे कंपोनेंट भी अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रभावित हो जाएंगे। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए हैंड लेंस। दे फाउंड टिनी मशरूम्स ओवर द लीव्स। ठीक है, ये देखो इतनी सारी प्रोसेस उन्होंने देखी, और वहां जो टी नीचे पड़ी थी फ्लोर पर उनको उन्होंने ले लिया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ऑक्सीजन दे रहे हैं सनलाइट की हेल्प से। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से ले रहे हैं, डिकम्पोजर्स मिल रहे हैं, सॉयल है, वाटर है, इतनी सारी देखिए प्लांट के लिए आवश्यक चीजें होंगी। ठीक है, तो ये देखिए रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट सॉयल एंड डिकम्पोजर्स इन ए फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए क्या है? डिकेइंग लीव्स, दे ऑल्सो सेव एन आर्मी ऑफ टिनी इंसेक्ट्स। उन्होंने क्या और देखा है उस पर? पूरी की पूरी आर्मी ऑफ टिनी इंसेक्ट्स, मल्टीपीट्स, एंट्स एंड बैटल ऑफ देम। दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिज्म लाइव हेयर। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स विच आर इजिली सीन, देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल। ठीक है ना, कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में रहते हैं। पहली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड कवर्ड देम इनटू ए डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। क्या पैदा करते हैं वो? ह्यूमस। यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9 इन विच लेयर ऑफ द सॉयल। वुड यू फाइंड ह्यूमस? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू द सॉयल? आपने पढ़ा होगा ह्यूमस जो है कितना इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। ह्यूमस ही जो है वो क्या कर देता है? उसमें ह्यूमिडिटी पैदा कर देता है सॉइल में, जिससे उसमें नमी बनी रहती है और आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर। और उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। तो एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल गई, भाई डिकम्पोजर किसे कहते हैं? दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। सून पहली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर द अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज इन टू द सॉइल। ये मैंने अभी अभी बताया था। ठीक है, फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाई द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। वॉट हैपन इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट? क्या होता है अगर शीला ने ये क्वेश्चन किया, अगर कोई एनिमल जो है वो फॉरेस्ट में मर जाता है? तो टिब्बू रिप्लाइड द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर द वल्चर्स, क्राउस, जैकाल्स एंड इंसेक्ट्स। कीड़ों के लिए, जैकाल्स भेड़ियों के लिए, क्रॉक कौओं के लिए, और वल्चर गिद्धों के लिए वो क्या काम करता है? फूड का काम करता है। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल्ड सो नथिंग गोज वास इन अ वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। तो कुछ भी फॉरेस्ट में वेस्ट नहीं जाता। पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट, उन्होंने ध्यान दिलाया कि आपने इनको ग्रीन लंग्स क्यों कहा था भाई। तो देखिए उन्होंने समझाया, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। उन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। ठीक है, दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। इसलिए फॉरेस्ट को हमने क्या कहा है? लंग्स कहा है। ठीक है,
प्लांट्स क्या कर रहे हैं, देखो ऑक्सीजन दे रहे हैं, एनिमल्स क्या दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, प्लांट्स उसको क्या कर रहे हैं, CO2 को ले रहे हैं, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक चेन की तरह से काम हो रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई, बूजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्न अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इन टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस। ओके, तो उसको ये याद आ गया। यहाँ तक तो सब समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों के, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहाँ समझ में ना आए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे। इफ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, किस तरह से वाटर साइकिल इफेक्टेड होगा। टिबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। उसने यह भी बताया कि केवल प्लांट और एनिमल का ही घर नहीं होता है फॉरेस्ट, बहुत से लोग भी जंगल में रहते हैं। सम ऑफ देम मे बिलोंग टू द डिफरेंट ट्राइब्स, वो डिफरेंट ट्राइब्स मतलब जनजातियों के हो सकते हैं। टिब्बू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स, ये लोग किस पर रहते हैं, जो मोस्टली डिपेंड फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड शेल्टर वाटर एंड मेडिसिन, और फॉरेस्ट ही उन लोगों के लिए क्या प्रोवाइड कराता है, खाना भी, शेल्टर रहने के लिए, वाटर और मेडिसिन। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिन प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, उनको एक ट्रेडिशनल नॉलेज होती है बहुत अच्छी, किसकी, मेडिकाइनल प्लांट्स की। ठीक है ना, जो ऐसे प्लांट्स जो किसके रूप में होते हैं, हमारे औषधि के रूप में होते हैं, दवाओं के रूप में होते हैं, मेडिसिन के रूप में होते हैं, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज उन लोगों को होती है, इसलिए वो लोग वहीं से अपना इलाज करते रहते हैं। व्हाइल बूजो वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम, दे डिसअपीयर्ड इनटू द बसेस, द डेंस बसेस एंड ही द टॉल ग्रास प्रोवाइड्स एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। ठीक है, वो उनको सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। पहली रिमेम्बर दैट सी सॉ अ पीपल सैपलिंग ऑन द साइड वॉल इन हर स्कूल, उसने देखा था अपने साइड वॉल पर, देखो यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है। कैन यू हेल्प हर टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वुड हैव हैपन, ऐसा कैसे हुआ हुआ कि दीवार पर पीपल का एक पौधा निकला आया। टिब्बू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस, और उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाई देयर ड्रॉपिंग्स एंड फुटप्रिंट्स, किससे, ड्रॉपिंग और फुटप्रिंट से वो लोग पता लगा लेते हैं। बूजो कॉल्ड एवरी वन एंड शोड देम ए लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग, सेवरल बेटल्स एंड ग्रब्स वर फीडिंग ऑन द लीव हीप एंड ए बंच ऑफ सीडलिंग्स वाज स्प्राउटिंग, दीज सीडलिंग आर द ऑफ द हर्ब्स एंड श्रब्स, द एनिमल ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो। समझ में आया आपको कि कैसे फॉरेस्ट में सीड्स जो हैं इधर उधर फैल जाते हैं, जो प्लांट्स हैं वो अपने पैरों से चिपका ले जाते हैं, उनके स्किन पर चिपक कर चले जाते हैं इधर से उधर, फिर कहीं जाके गिर जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं और प्लांट निकलने लगते हैं। ऐसे ही बर्ड्स भी इसी तरह से करते हैं, बर्ड एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चले गए तो उनके भी पैरों में या उनके पंख में जो सीड्स जो हैं चिपक जाते हैं, वो फिर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहीं पर प्लांट उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पीपल का पेड़ जो है वो वॉल पर या छत पर आ गया, तो वो इसी की वजह से आता है। एंड रीजनरेट द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो, और उनका जो डंग होता है, गोबर जो होता है एनिमल्स का, वो भी उनके लिए न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्रोवाइड कराता है। After listening to this, Bujo noted in his notebook, by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunities for food and habitat for the herbivores. Larger number of
हर्बीवोरस मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ए वेराइटी ऑफ कार्निवोरस द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रिजनरेट एंड ग्रो। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज ए डायनामिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड विटैलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेस्ट पूरा का पूरा अपने आप में ही एक लिविंग एंटिटी है, पूरा का पूरा एक सभ्यता है। ठीक है, इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। टेबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर द गोइंग बैक व्हाइल दे वर गोइंग बैक। इट स्टार्टेड रेनिंग, हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेज। और ज्यादा से ज्यादा जो पानी आ रहा था वो किस तरह से आ रहा था? ब्रांचेस के थ्रू होकर के आ रहा था। ये देखिए रेन का इन्होंने इस तरह से पूरा सिस्टम आपको दिखाया है। ठीक है, रेन हो रही है ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन के थ्रू, यहां से वापस जा रहा है पानी, फिर रेन हो रही है तो वापस आ रहा है ना। द क्लोज्ड कैनोपी एंड द मेनी लेयर्स ऑफ द वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक है, सबको पानी मिल रहा है, ब्रांचेस से होकर के आ रहा है, रूट सिस्टम को मिल गया। द रूट सिस्टम हेल्प्स वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड। और रूट सिस्टम क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है वाटर को ग्राउंड वाटर में जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक वाटर टेबल चलता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है भाई? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे। द स्टीम्स ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, सूखा हुआ था। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड। दे नोटिस्ड दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। और वो क्या हो गई है? नीचे पड़ी हुई पत्तियां भीग गई हैं। बट वाटर डिड नॉट स्टेगनेट इन द फॉरेस्ट। बूजो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हैवीली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लोडेड द ड्रेन्स एंड रूट्स। और उसने क्या देखा कि हमारे यहाँ तो थोड़ी सी भी तेज वर्षा अगर हो जाती है तो जो ड्रेन है और रोड है वो सब इस तरह से पानी से भर जाते हैं जैसे बाढ़ आ गई। वट वुड हैपन इफ इट रेन्स हैवीली इन योर टाउन। तुम्हारे यहाँ भी क्या होता है? इस प्रकार का एक आंसर आप लिख सकते हैं अपने आप से। प्रोफेसर एमर टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट्स एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउ इट टू सीप। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स बट ऑल्सो हेल्प मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट ए स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है ना। फ्लड से तो बचाता ही बचाता है, कंट्रोल और मेंटेन भी करता है वाटर स्ट्रीम्स को, जिससे कि हमको सप्लाई ऑफ वाटर लगातार मिलती रहे, कंटिन्यूस मिलती रहे, स्टेडी मिलती रहे। ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट। और वहां क्या आ जाएगा? फिर फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। हैवी रेन मे ऑल्सो डैमेज द सॉयल। और बहुत तेज ज्यादा वर्षा जो है वो डैमेज भी कर सकती है किसको? सॉयल को। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉयल, उनको बांध कर रखती है टुगेदर, बट इन देयर एबसेंस ऑफ द सॉयल इज वॉश्ड अवे और एरोडेड। और अगर रूट्स नहीं होंगे यानी ट्रीज वहां नहीं होंगे तो वो सॉयल जो है वो घुलकर या धुलकर अलग हो जाएगी, इरोडेड हो जाएगी। द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट टेबूज विलेज ऑन देयर वे बैक। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल। द एयर ऑल्सो रिमेंड कूल। नॉइज पॉल्यूशन टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज ऑफ द नियर बाई हाईवे। देखो ये भी एक कितनी बड़ी बात है कि फॉरेस्ट जो क्या करता है वो नियर बाई हाईवे के जो नॉइज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। इट सरप्राइज देम दैट द उन्होंने क्या करा? हिस्ट्री जानी,
विलेज की, तो वो सरप्राइज हो गए दैट द विलेज एंड द एग्रीकल्चर फील्ड्स ऑफ दैट एरिया वार क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर्स एगो। वो आश्चर्यचकित हो गए कि यह विलेज भी फॉरेस्ट को हटा करके बनाया है 60 साल पहले। तिब्बूज ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन वाज ही वाज यंग द विलेज वाज नॉट एज लार्ज एज इट वाज नाउ। अभी जैसा था ऐसा नहीं था पहले। इट वाज आल्सो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, चारों तरफ से घिरा हुआ था फॉरेस्ट से। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वेनिसिंग। और ये खत्म होना शुरू हो गए, ठीक है। इतने सारे प्रेशर आना शुरू हो गए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चक्कर में, रोड बनाने के चक्कर में, बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, फॉरेस्ट को हम वेनिसिस यानी खत्म करते चले गए। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एट ज्वाइनिंग देयर विलेज इज नॉट रीजनरेटिंग एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपीयरिंग ड्यू टू द ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड द इंडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज। और वो बहुत ज्यादा नाराज हैं इस बात से कि हम फॉरेस्ट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम लगातार उनको कम ही करते जा रहे हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा ग्रेजिंग के रूप में हो, ओवर ग्रेजिंग के रूप में, ठीक है। प्रोफेसर एमस सेड दैट इफ वी डिड थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट। अगर वाइजली इनको यूज करें तो हम बहुत कुछ इनको बचा सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को भी और फॉरेस्ट को भी सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड ए फ्यू पिक्चर्स टू शो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एन इवेंट। उन्होंने जो है एक पिक्चर प्रिपेयर की है। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। और उन्होंने क्या कहा है, सम करने के लिए कहा है, एक समराइज करिए इसको कि आपने फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में क्या सीखा। द चिल्ड्रन रॉट फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट सॉयल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट इन हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन द नेबरिंग एरियाज, दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिकिनल प्लांट्स, टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। वी मस्ट प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट। हमको अपने फॉरेस्ट को 100% प्रिजर्व करना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां तक भाई सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। विजार्ड गेमिंग, अब देखिए ये है नंबर एक, रोड चल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, फिर इसके बाद में हम यहां पर आ गए, पेड़ एक रह गया केवल, पहले ट्री तीन थे, है ना, कई सारे थे, ट्री कट गए, फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। फिर इधर देखिए क्या स्थिति हो गई उनके लिए, पहले ये इस तरीके की स्थिति थी, बहुत सारे ट्रीज थे, बर्ड थे, जंगली जानवर थे, अब केवल ट्री एक रह गया है, तो वहां पर अब कोई नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी बुरी स्थिति में हम आ गए हैं, और यही रीजन है कि अब देखो क्या स्थिति बन रही है, ये स्थिति बन रही है, कहीं पर बाढ़ अगर आ रही है तो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो ये इस तरह का एक उन्होंने चार्ट पेपर पर पिक्चर्स ड्रॉ करके बच्चों ने एक मैसेज दिया है, एक वेल मैसेज दिया है। आप भी इस प्रकार का एक चार्ट पेपर बनाइए, कोई एक मैसेज देते हुए कि हमको फॉरेस्ट को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है। कितने अच्छे से उन्होंने इस बात को लिख दिया है ना। चलिए तो देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, कीवर्ड्स के रूप में क्या देखा, कैनोपी हम जाने हैं, क्राउन हम जाने हैं, डिकम्पोजर्स को जान गए हैं, डिफॉरेस्टेशन को जान गए हैं, ह्यूमस को जान गए हैं, रीजनरेशन को जान गए हैं, सीड डिस्पर्सल को हम जान लिए हैं, सॉइल इरोजन को जान लिए हैं, और अंडर स्टोरी को जान लिया, ठीक है। तो इन सबको अच्छा जहां जहां जरूरत पड़े तो वहां फिगर भी बनाना, जैसे कैनोपी के लिए फिगर बनाना, क्राउन के लिए फिगर बनाना, अंडर स्टोरी के लिए फिगर बनाना, ठीक है। तो व्हाट यू हैव लर्न, क्या क्या सीखा है, वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस। हमने ये जाना कि फॉरेस्ट से हम बहुत तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। फॉरेस्ट इज ए सिस्टम कंप्राइजिंग वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है वेरियस प्लांट का, एनिमल का एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इन ए फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर फॉलोड बाई द श्रब्स, द हर्ब्स फ्रॉम द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हमने इससे सीखी हैं, इसको समराइज जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और अपने भी पॉइंट्स के रूप में जरूर चैप्टर को समराइज किया करिए, इसी तरीके से पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है।
फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। फॉरेस्ट क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को इरोजन होने से, ठीक है। इरोजन को कहते हैं हम संक्षारण, ठीक है, कटान होने से, मिट्टी का कटाव होने से रोकते हैं। सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रिजनरेट। और सॉइल क्या करती है, फॉरेस्ट को भी फिर हेल्प करती है। जब फॉरेस्ट सॉइल को बचा रहा है तो सॉइल उसकी मदद करती है ग्रो करने के लिए और रिजनरेट करने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ एनिमल ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रिजनरेट। तो देखो अभी अभी हमने बताया था, वो अपने पैरों से या अपनी स्किन से चिपका ले जाते हैं, कहीं पर बैठ गए मान लीजिए जमीन पर पेड़ के नीचे, है ना, और वहां सीड पड़े हुए थे और वहां से चिपका ले गए, फिर किसी और जगह गए तो वहां पर वो गिर गए सीड्स, ठीक है। तो इस तरह से ग्रो होता है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। किस तरीके से फ्लड को, फ्लड से हमको प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, व्हाट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, और वो क्या करते हैं जंगल में। तो इस तरीके से अभी अभी हमने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है, ये सारे क्वेश्चन सब आप आसानी से कर सकते हैं। लिस्ट फाइव प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। ये तो बहुत ही सारे पता है आपको, फाइव क्या, ठीक है। कर पाएंगे आप लोग, फिल इन दी ब्लैंक्स की बात करें तो वही चीजें हैं सारी की सारी। द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट इन फॉरेस्ट, ठीक है। अ फॉरेस्ट इज ए प्योरिफायर ऑफ, किस किस का होता है प्योरिफायर भाई बताइए। हर्ब्स फ्रॉम द लेयर इन द फॉरेस्ट, कौन सी वाली होती है ना, लोएस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग आंसर कर लीजिएगा इनको बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हर क्वेश्चन में कराऊंगा तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। इनको अच्छे से पढ़िए और कुछ और क्वेश्चन भी आप लोग जरूर बनाया करिए, जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो सके। इस चैप्टर से क्या और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। देखिए ये बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट आप लोगों को दे रखे हैं, ये भी आप लोगों को करने हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट इज टू द डिसाइडेड वेदर सम पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट इन योर एरिया कुड बी क्लियर फॉर ए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। राइट ए लेटर टू द डिपार्टमेंट, आपको एक पत्र लिखना है इस प्रकार के काम के लिए। विजिट ए फॉरेस्ट, विजिट करिए। मेक श्योर दैट यू हैव परमिशन टू गो इन टू द फॉरेस्ट, आपके पास परमिशन होनी चाहिए तभी आप जा सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको कभी कोई मौका मिले माता पिता के साथ घूमने का या स्कूल के थ्रू घूमने का, तो आप एक फॉरेस्ट की ट्रिप जरूर करिएगा। मेरा ये मानना है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बजाय के किसी मॉन्यूमेंट को घूमने के, ठीक है। ताजमहल घूमने चले जाते हैं बच्चे, कहीं कुतुब मीनार घूमने चले जाते हैं, कहीं लाल किला घूमने चले जाते हैं, इसके बजाय मैं ये चाहूंगा कि आप जो है फॉरेस्ट को विजिट करिए, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। जाना हमेशा अपने बड़े एल्डर्स लोगों के साथ, टीचर्स के साथ ही, ठीक। इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करके देखिएगा, www.wildindia.com। बहुत कुछ है इस वेबसाइट पर, ठीक है, मैंने इसमें लगाया नहीं है वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए आप लोग जरूर विजिट करिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इन इंडिया द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज अबाउट 21% ऑफ द टोटल एरिया। हमारा एरिया जितना भी है पूरे भारत का, उसका 21% कैसा है, फॉरेस्ट के रूप में है। इट हैड स्टेडली बीन फॉलिंग सिंस इंडिपेंडेंस, और ये लगातार कम होता जा रहा है। बट पीपल नाउ सीम टू हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट कवर। रिपोर्ट सजेस्ट दैट द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर हैज स्लाइटली इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। और इसलिए अब जब सरकार के काफी सारे प्रयास रहे हैं और लोगों ने जागरूक होना शुरू किया है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना आवश्यक है, तो अब आकर के कुछ सालों से यह एरिया जो है इंक्रीज होना शुरू हुआ है। आप लोग जो देखते थे कि उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है ना, बहुत सारे लोग बह गए है ना, पहाड़ ग्लेशियर पिघल गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सब इसी सिस्टम की वजह से है कि हम अगर फॉरेस्ट को यानी नेचर से अगर हम छेड़खानी करेंगे तो नेचर हमारे साथ फिर परेशानी खड़ी कर देगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है, नेचर का सम्मान करना, नेचर के साथ स्वयं को ढालना है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया है। कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की तो यू कैन आस्क एट एनी टाइम। कैसा लगा आपको ये चैप्टर कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितना समझ में आया आपको। और इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा
हर रोजाना सुबह 7 बजे मिलेगी, अलग अलग क्लासेस के लिए क्लासेस रहेंगी, 6, 7, 8 के लिए, दो दो दिन एक वीक में रख लिए हैं, जिससे कि सबका काम चल जाएगा। और आप दूसरी क्लासेस की भी साइंस के चैप्टर्स को जरूर देख लीजिएगा, वो आपको नॉलेज गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक, अपने क्लासमेट्स तक, अपने क्लास फेलो तक वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख सकें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इजीली जो भी वीडियो जब भी आएंगी तो वो आपको मिल जाए, ठीक है। कनक वर्मा कह रही है यस सर, समझ में आ गया है, वेरी गुड, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल भी क्लास होगी, डेली क्लासेस होगी, लेकिन अलग अलग डेज में अलग अलग क्लासेस की रहेगी। फर्स्ट 2 डेज यानी मंडे ट्यूसडे 6 क्लास के लिए, और वेनेसडे थर्सडे 7th के लिए, इस तरह से डिसाइड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए कृष्णा स्टूडियो के साथ।